राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव बिल्कुल अलग अलग मुद्दों पे होते हैं, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 2014 के चुनाव में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में जीती, लेकिन विधानसभा का जब चुनाव आया तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री आम आदमी पार्टी के हक में गई, 67 सीट्स हमारी गई। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को अगर आप देखेंगे और चुनाव लड़ने के तरीके को देखेंगे तो जितने भी विधानसभा के चुनाव 2014 के बाद हुए पूरे देश में, उसमें सबसे आगे प्रधानमंत्री जी का चेहरा सामने रखा गया, वो चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, या इन तीन राज्यों के चुनाव को भी अगर आप देखेंगे, बिहार के चुनाव को अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप देखेंगे, और जो चुनाव वो जीतते हुए आए उसका पूरा क्रेडिट उनको मिला। तो अगर आप 13 में इन्हीं राज्यों के चुनाव को देखें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तो 13 में जब भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को गया, और 2014 के चुनाव में उसका असर भी देखने को मिला, इन राज्यों में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। तो अगर आप इसको 2019 के चुनाव के हिसाब से देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस चुनाव का कई संदेश है। संदेश तो ये कि अब इस देश के अंदर सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति से शायद लोग ऊब रहे हैं। एक संदेश ये कि अब राम के नाम पर नहीं, काम के नाम पर आपको वोट मांगना होगा, आपको बताना होगा कि 15 लाख लोगों के खाते में क्यों नहीं पहुंचे, 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिला, किसानों को फसल का 1.5 गुना दाम क्यों नहीं मिला, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया, व्यापारियों के लिए क्या नीति बनाई, डॉलर 40 रुपए का हुआ कि नहीं हुआ, ये सारे वादे जो आपने 2014 में किए थे 2019 में उसका जवाब देना पड़ेगा, और इसकी एक मजबूत शुरुआत इस चुनाव के परिणाम से होती है। दूसरी बात ये कि इन राज्यों के चुनाव परिणाम जो आए हैं तीन राज्यों के, इससे कहीं ना कहीं मतदाताओं में जो एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, एक भरोसा जो पैदा होता है, अब तक जो ऐसा लग रहा था कि अजेय शक्तियां हैं, यानी इनको हराया नहीं जा सकता, ऐसा लग रहा था कि ये पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव लड़ने जाएंगे, प्रचार करेंगे, अपने तरीके से चुनाव में पूरी शक्ति लगाएंगे। त्रिपुरा जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जीतना कोई छोटी घटना नहीं है, जहां पर कि बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, जहां कि आप उसके पहले के चुनाव में देखेंगे तो बीजेपी शायद 2-4% वोट से 1.5% वोट पे, 1.5% वोट पर जहाँ पे बीजेपी त्रिपुरा में थी और अचानक सत्ता में आ जाती है, तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि 2019 के चुनाव के लिए मतदाताओं में एक भरोसा पैदा होगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हराया भी जा सकता है, और उस भरोसे को विपक्षी दल कितना अपने पक्ष में एकजुट कर पाते हैं, अपनी रणनीति कितना तैयार कर पाते हैं। ठीक कहा स्वपन दास गुप्ता जी ने कि इसकी राज्यवाद एक स्ट्रेटजी और एक राज्यवाद रणनीति क्या होगी पार्टियों की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चुनाव कई दृष्टि से 19 के चुनाव पर असर डालेगा।